जी, अनिल जी कौन है, नाम बताइए आपका प्लीज। देखिए कोई भी नए भाई जुड़ते हैं तो आपका नाम लिखते जाइए, मुझे समझ में नहीं आता है कि बाहर का है या अंदर का है। नए बच्चे जी, अनिल जी मैं आपको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, क्लास लेना है मुझे, ठीक है? आपसे कोई भी रिस्पांस ना आने की वजह से मैं आपको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। चलो दोस्तों, देखिए मैं आपको जो चीज समझाना चाहता था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम रिकनेक्ट, भाई एक्सेप्ट कीजिए मुस्तफा जी प्लीज। मैं सब कर दिया, अभी कर दिया। ओके थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों देखिए कहाँ गए हमारा टूल, इजी जेडेक टूल। ओके सर शेयर नहीं किया आपने? शेयर नहीं किया, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, सॉरी सॉरी, हाँ अभी आ गया। जी सर, हाँ आ गया। लर्निंग तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाहता था, यहाँ पे देखिए मैं अब इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, वापस एक बार आइडेंटिफाई करता हूँ, सॉरी यहाँ पे सॉकेट पे मैंने कर दिया है, ISP करना है और चेक करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ और डम कितना लेना है उसके बारे में। यहाँ पे सबसे पहले ये सैमसंग का EMMC है, ठीक है, ये नाम है, ये उसका OMEID है, ये नीचे चलते हैं, हमें क्या देखना है, और नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पे और नीचे चलते हैं, इन्होंने जो एडाप्टर लगाया हुआ है उस एडाप्टर के बारे में बता रहा है कि एडाप्टर 2021-8-2020 में लिया हुआ है, 2x4 एडाप्टर है, लो वोल्टेज में कनेक्ट हो चुका है, इसके अंदर जो IC लगी है वो BGA 153 लगी हुई है, उसका VCC का वोल्टेज कितना लिया है, VCC Q2 का वोल्टेज कितना लिया है, उसके बारे में ये चीजें समझा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सैमसंग के EMMC के बारे में, नीचे चलते यहां पे देखिए टोटल पार्टीशन है 8, दिख रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ LU, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टीशन एक IC में 8 हो सकते हैं, मतलब एक IC में ज्यादा से ज्यादा 8 पार्टीशन हो सकते हैं, ओके UFS में। और नॉर्मली हमारा अगर आप बात करेंगे तो हमारे इसमें 3 पार्टीशन होते हैं, ROM 2, ROM 3, ROM 1, ठीक है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टीशन हो गए और वो हो गए 8, ऐसा उन्होंने बताया। अभी इसको मतलब हमने जैसे ही आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे हमें 6 पार्टीशन इस IC में मिले हुए, तो ये बता रहा है द नंबर ऑफ पार्टीशन इज द 6, मतलब 8 पार्टीशन नहीं है, 8 हो सकते हैं लेकिन इसके अंदर 6 पार्टीशन है। तो सबसे पहला पार्टीशन जो है वो है लॉजिक यूनिट नंबर 0, लॉजिक यूनिट नंबर 0, आप देख सकते हो ये जो लॉजिक यूनिट नंबर 0 है, ये जो पार्टीशन है ये है आपका 53 GB का, ये है आपका 53 GB का। उसके बाद लॉजिक यूनिट नंबर बूट ए वो है 4 MB, लॉजिक यूनिट बूट बी वो भी है 4 MB, ठीक है। अभी इसमें जो पार्टीशन बने हैं इसके आगे, शायद आपको ये 3 चीजें मालूम होगी, ROM 1, ROM 2, ROM 3, जैसे नॉर्मली हर IC में आते हैं, पहला यूजर पार्ट होता है, फिर ROM 3 होता है, फिर ROM 1, ROM 2 होता है, ROM 3 होता है, ये आपको मालूम हो गया होगा।
नॉर्मली ये पार्टीशन आपको दिखाई देते हैं, लेकिन इसके नीचे जो पार्टीशन एक्स्ट्रा आते हैं यूएफएस में वो है लॉजिक यूनिट नंबर 3। ये देखिए 128 MB है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये उसका RPMB पार्टीशन है, ऐसा हम बोलेंगे, इट्स नॉट RPMB, ऐसा बोल सकते हैं कि ये उसका RPMB पार्टीशन है। ये क्या, उसके बाद लॉजिक यूनिट नंबर 4 में 4 GB का पार्टीशन बना हुआ है, और नीचे चलते हैं यहां पे लॉजिक यूनिट नंबर 5, तो उसका जो बना हुआ है वो बना हुआ है 1 GB। तो दोस्तों हम अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं, देखिए अगर आपको ये चीज समझ में आएगा तभी जाके आप डंब बना सकोगे, वरना आप डंब नहीं बना पाओगे। और डंब किस चीज का लेना है ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इसको ग्राफ में देखेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी EMMC के बारे में देखा था, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये अगर हमारा EMMC है, तो इस EMMC में हमें इस UFS में हमें 6 पार्टीशन मिल रहे हैं, 6, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्टीशन हम देख रहे हैं बड़ा वाला, ये वाला, यहाँ पे पकड़ते हैं ये वाला इतना बड़ा, तो सबसे बड़ा पार्टीशन है LU0, तो LU0 है, LUN0 वो है हमारा 53 GB, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पार्टीशन यहाँ पे बना हुआ है, और वो है यहाँ पे 2 पार्टीशन छोटे छोटे, एक वाला ये और दूसरा वाला, और एक पार्टीशन है जो दोनों भी 4 MB के है दोनों भी, तो वो है आपका LUN1 जो है 4 MB और LUN वो है 2 4 MB, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि ये हाथ तक तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, आपको ये समझ में आया रहेगा सर ये यूजर डाटा है, और ये दोनों भी आप जो बता रहे हो वो बूटेबल पार्टीशन है। बूटेबल पार्टीशन मतलब जहां से मोबाइल को ऑन करना है, बूटेबल, बूट कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते थे उसे बूटेबल पार्टीशन बोलते हैं। तो ये दोनों भी बूटेबल है, तो बूट कहां से होगा, तो 1 और 2 से बूट होगा, जब भी मोबाइल ऑन होगा तो इन 2 पार्टीशन से होगा। ये सिस्टम पार्टीशन, सिक्योर पार्टीशन, हिडन पार्टीशन, बूट पार्टीशन, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्टीशन यहाँ पे आपको नॉर्मली समझ में आया होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा पार्टीशन आ चुके हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या होता है और क्यों दिए होते हैं। तो चलो चलते हैं, हमारा जो चौथा वाला पार्टीशन है, जहां चौथा वाला पार्टीशन लिखा है वो है यहाँ पे LU3, क्योंकि 0 से शुरू होता है, तो ये है हमारा LU3 और LU3 और फिर वाला जो नेक्स्ट पार्टीशन है वो 4 GB और LU3 यहाँ पे है, और एक बड़ा पार्टीशन है जो है 4 GB और एक है 1 GB। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं दोस्तों LUN3 जो है हमारा 128 MB, ओके, और यहाँ पे हमारा LUN4 वो है हमारा 4 GB और नेक्स्ट है LUN5 वो है हमारा 4 MB। जी अनिल जी ज्वाइन नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं अनिल जी, आप दूसरे मोबाइल से ट्राई कीजिए फिर ज्वाइन हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों जी, राजेश सर ये जो LUN है वो तो 1 GB आ रहा ना यहाँ पे, LUN5 जो है, अरे हाँ माफ करना दोस्त, होता है सर उम्र हो गया, थोड़ा संभाल के लीजिए। आ गया सर राजेश जी? जी सर जी, ठीक है। तो ये समझ में आ गए आपको कि इसमें आपको कम से कम कितने पार्टीशन आ सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा, सॉरी कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 8
और कम से कम चार, ओके ज्यादा से ज्यादा आठ और कम से कम चार। तो ये वाला बूट ए है, ये वाला जो पार्टीशन है ये है आपके बूट ए, ठीक है, ये बूट ए है आपका, और ये वाला जो पार्टीशन है वो है आपका बूट बूट बी, बी जिसे हम रोम टू और रोम थ्री के नाम से जानते थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ दिख रहा है, ये वाला लिखा है यहाँ पे, नीचे कुछ नहीं लिखा है, नीचे कोई उन्होंने कुछ भी काम मतलब बताया नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सारा चीज यहाँ पे ही बता दिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 49 GB का फुल साइज बता रहा है, 59 कितना बता रहा है, 59 का 59. टोटल बता रहा है, बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो ये एमएमसी टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 59 GB, लेकिन एमएमसी कितना जीबी है सर, 128 एमएमसी, 128 है मुस्तफा जी, कितना जीबी एमएमसी है मुस्तफा जी, क्या सुन रहे हैं, एमएमसी कितना जीबी है, 64 होगा। हाँ तो 128 कैसे होगा 64. भाई 64 का कैलकुलेशन हो रहा है ना यहाँ पे, 64 बराबर है कि नहीं, okay. 64 का कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये 64 जीबी का होगा, तो बचा कितना जीबी, 53 जीबी सर, कितना बचा, यूजर डाटा जो आएगा, जो यूजर डाटा बनता है सर, यहाँ पे कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ सर, देखिए ये 53 हो गया, ठीक है, ये 4 जीबी हो गया, कितना हो गया, 57 53 और 50 और ये 1 जीबी हो गया, कितना हो गया, 64 सर, गणित सिखाना पड़ेगा, देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको एक क्या समझाना चाहता हूँ, ये अगर समझा तो आपको डम समझेगा कि हम क्यों ले रहे हैं उसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर ये कैलकुलेशन नहीं समझेगा तो आपको डम ही नहीं समझेगा क्यों लेना क्यों है, समझ रहे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था रोम टू क्यों लेना है, रोम थ्री क्यों लेना है, ये बहुत जरूरी पार्ट है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ये कैलकुलेशन, ये हो गया 53, ये हो गया 4 और ये 3 5, ये हो गया 58, कितना हो गया 58 सिस्टम पकड़ के वो क्या बोल रहा है कि टोटल हमारा हो गया 59 GB, फिर भी आपका जो बचता है कितना जीबी बचता है, 5 GB बचता है कि नहीं बचता है, 5 GB जी, तो 5 GB पूरा का पूरा आपके सिस्टम पार्टीशन को चला जाएगा, जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। देखिए हम पार्टीशन में चलते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे सिस्टम दिखा रहा है कि नहीं, जी सर इधर है सिस्टम, नहीं दिखा रहा सिस्टम, नहीं है सर इधर सिस्टम नहीं है। हाँ तो आप भावनाओं को समझो, मैं जो बताना चाहता हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ये कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं आपको, तो 5 GB का आपका सिस्टम चला जाएगा, जब जाके ये 64 GB बनेगा, यूजर को कितना यूज करने को मिल रहा है, तो यूजर को यूज करने को मिल रहा है 53 GB, जिसके अंदर फोटोज और वीडियोस और रिंगटोन्स और वॉलपेपर होंगे, बराबर है, ठीक है। अभी यहां पे आगे चलते, देखिए यहां पे हम आगे चलते, यहां पे हम देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे नीचे आते हैं और नीचे आते हैं, देखिए ये उसका हेल्थ रिपोर्ट बता रहा है, तो जो नॉर्मली मैंने बताया है इसके हिसाब से बताइए ये ओके है या नहीं है, ओके सर, ठीक है, पक्का, हाँ जी ठीक ही लग रहा है जी, ठीक लग रहा जी सर, ओके, कैसे, क्या क्या कंडीशन होता है हेल्थ रिपोर्ट का,
पहला कंडीशन क्या होना चाहिए सर? जीरो तो दस, जीरो तो दस नहीं, कितना है यहाँ पे सेम होना चाहिए सर? इतने तीस तो चालीस सर, 50 के नीचे रहना चाहिए। हाँ पहला कंडीशन 50 के नीचे रहना चाहिए, है क्या? है सर, है सर। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? ऊपर भी नीचे भी सेम रहना चाहिए। गुड मुस्तफा जी, गुड। ऊपर ऊपर और नीचे दोनों भी क्या होना चाहिए? सेम रहना चाहिए। हाँ और थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए जी, नॉर्मल होना चाहिए। कहाँ है नॉर्मल यहाँ पे? सर यहाँ शो ही नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा है। रिजल्ट ब्लैक, हाँ देखिए सर, शो कर रहा है, नॉर्मल शो कर रहा है? नहीं सर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है? प्री एंड ऑफ लाइफ 0/1 जी। चलो हम चलते हैं हमारे नोट्स पे। देखिए मुस्तफा जी थोड़ा सा डीप में सिखा रहा हूँ, चलेगा ना? क्या सीधा डंप रीड करना सिखाओ? नहीं नहीं सर, डीप ना सिखाओ, डीप ही चाहिए सर। हाँ नहीं तो फिर सीधा अगर करना है तो सीधा भी मैं मतलब सीधा डंप बता दे सकता हूँ, लेकिन क्या है वो मेरे को नींद नहीं आएगा फिर वापस, बाकी कुछ नहीं कि आधा आधा सिखा दिया, बराबर है कि नहीं? ठीक है तो बैड हेल्थ पे चलते हैं, जो मैंने आपको बता दिया था। ये हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ है, देखिए ये ग्राफ पे आते हैं। देखिए यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे अगर आप घर जाके चैन से सोना चाहते हो तो यहां पे ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, यहां पे क्या लिखा है? 0/01 नॉर्मल। हाँ यहाँ पे क्या लिखा है? 0/2 वार्निंग। वार्निंग, वार्निंग यहाँ पे क्या लिखा है? अर्जेंट। 1, 2, 3 100% होगा, लेकिन अगर यहाँ पे 0/0 और 0/4 होगा तो आप ग्रुप पे मैसेज डालिए नहीं, सीधा समझ जाइए कि ये बनने लायक नहीं है। समझ रहे नहीं समझ रहे? यहाँ पे और चीज मैं बता देता हूं, यहाँ पे 0/0 और 0/4 होगा तो वो बनने लायक है ही नहीं, 1, 2, 3 100% होगा। ठीक है अभी यहां पे चलते हैं, ये देखिए यहां पे हमारे, देखिए यहां पे क्या लिखा है? अभी 1 लिखा है तो नॉर्मल लिखा नहीं है, लेकिन नॉर्मल तो है क्योंकि 0/1 मतलब नॉर्मल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लेस यूजर 80% रिवर्स ब्लॉक, मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है? कौन भाई बता सकता है इसका मतलब क्या है? मुस्तफा जी बता सकते हैं इसका मतलब क्या है जी? व्हाट इज दिस, क्या है ये 80% ब्लॉक, मतलब क्या है जी मुस्तफा जी? मतलब 80% यूज हो गई। हाँ यूज तो हो गया, 80% यूज तो हो गया ना। हाँ यूज सर, ये वही सर, ये वही हो गया ना, जैसे उसमें 90% का एरर आता है, यहाँ पे 80% का। नहीं 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 ये अलग है जी। मुस्तफा जी आप बता सकते हैं कि ये क्या है 80% रिवर्स ब्लॉक? रिवर्स ब्लॉक मतलब क्या है 80%? व्हाट इज दिस रिवर्स ब्लॉक? मतलब चलो मैं आपको इसका आंसर, देखो दोस्तों थोड़ा सा अलग है उसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा अलग है, समझना पड़ेगा ये, इसको दिमाग लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो 100% चलेगा। ठीक है जी प्रज्वल जी बताइए ये क्या है 80% ब्लॉक का मतलब क्या है प्रज्वल जी? व्हाट इज दिस? हो सकता है सर। नहीं हो तो सकता है, आई नो अबाउट दैट, बट 80% रिवर्स ब्लॉक ये क्यों बता रहा है ये? आपको EMMC मैनेजर में नहीं दिखाएगा आपको, सॉरी EMCP में नहीं दिखा रहा, इसमें क्यों दिखा रहा है? व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्यों बता रहा है ये जी? प्रज्वल जी सुन रहे हैं आप? हाँ सर, हाँ सर, क्या है ये, व्हाट इज दिस?
चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। सर इसके बारे में तो नॉलेज जीरो, सर क्या बता सकते हैं? अरे अजय जी, हाँ, मुझे लगा तो कुछ तुक्का उक्का तो लगा देंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा लग रहा था। सर तुक्के लगवाते रहोगे सर, अब एग्जैक्ट बता दो ना सर, तुक्के मार दे रहेंगे तो फोन खराब हो जाएगा। मैं बता देता हूँ अभी एग्जैक्ट, एक चीज है ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है भाई, ये 80% मर चुका है, कुछ दिनों के बाद मर जाएगा, मतलब ये मरने के कगार पे है, ऐसा वो बता रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये मरने के कगार पे है, इसकी डेड बॉडी उठा के ले जाने। हाँ ये बोल रहा है कि ये आईसी को कैपेसिटी है ना, हाँ ये आईसी 80% यूज हो चुका है और कुछ दिनों के बाद ये मरने के कगार पे। देखो ये आईसी कैलकुलेशन कैसे करता है, मैं ध्यान दीजिए, ये कैलकुलेशन कैसे करता है। नॉर्मली हम परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं 1 से लेके 100 तक, बराबर है कि नहीं? तो 100% हो गया, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होता है, 0 to 10% मतलब 20%, समझ में आ रहा है? 20 to 10 कितना हो गया इस, सर आपके कहने चाहिए कि ये रिपेयर नहीं होगी क्या? नहीं, ये रिपेयर करनी है, वो बता रहा है कि ये अगर आप रीप्रोग्रामिंग करते हो तो कुछ दिनों के बाद ये बैड हेल्थ में जाएगी, ऐसा वो बता रहा है। आप समझ रहे हैं, ये रिपेयर आप कर सकते हो लेकिन कुछ दिनों के बाद ये बैड हेल्थ बताएगी। अगर ये कस्टमर आपको बना के दिया तो कुछ दिनों के बाद ये वापस आएगा लोगों पे लेके, क्योंकि ये तब बैड हेल्थ में आएगी, ऐसा वो बता रहा है। क्योंकि ये अभी ये किस प्रॉब्लम में है सर, अभी ये हैंग ऑन लोगो या डेड होगा पता चले, ये अभी हैंग ऑन लोगो या डेड, ये दो प्रॉब्लम में होगा मुस्तफा जी, बराबर है? नहीं, मैं अभी इसे रीप्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, इसके बाद इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे मोबाइल पड़े हैं, मैं बैड हेल्थ भी सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। हाँ लेकिन तरीका अलग है, सारा तरीका अलग है, ठीक है, यह ध्यान रखिए। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता था कि ये तरीका अलग है। अभी मुझे लगता है कि आपको यहां तक तो मालूम हो गया कि क्या क्या होता है, अभी इसके आगे चलते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे ये आ गया मेरा पार्टीशन, यहां पे देखिए, यहां पे वो क्या बता रहा है कि LU0 में कितने पार्टीशन है, 15 पार्टीशन है LU0 में, तो यहां पे हम करते हैं तो टोटल 15 पार्टीशन है, ठीक है। उसके बाद इसमें 1 1 और इसमें 3 है, तो इसमें है 1 पार्टीशन, इसमें है 1 और इसमें है 3 और इसमें है 34 और इसमें है 4। अभी ये जो नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये क्या होगा मेरे भाइयों, ये इसके हर पार्टीशन के वेंडर है। वेंडर मैंने बता दिया था आपको, याद होगा हम वेंडर किसका लेते थे, ओनली यूजर का, लेकिन इसके हर पार्टीशन में वेंडर है। वेंडर मालूम होगा आपको, वेंडर का मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटी पार्टीशन, याद है ना आपको? जी सर जी। उसमें देखिए खाली यूजर में लेना पड़ता था हमें, 4 या 5 पार्टीशन ले लिए बात खत्म, लेकिन इसमें इतने सारे पार्टीशन उन्होंने ऑलरेडी बना के रखे है कि इतने सारे पार्टीशन इसके अंदर है, वो बता रहा है, ठीक है। इसके बाद नीचे चलते है, यहाँ पे और नीचे चलते है, देखिए नीचे आते हैं देखिए ये बता रहा है यहां पे, ये वेट रुको भाई। हाँ देखिए, यहां से लेके यहां तक के पार्टीशन 0 में है, 15 पार्टीशन टोटल यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अगर आप देखोगे इसके अंदर तो देखिए, इसके अंदर यूजर है, दिख रहा है, कॉन्फ्रिग है, कॉन्फ्रिग आपको मालूम होगा कि ये क्या है, ये प्रीसेट है, प्रीसेट भी आपको मालूम होगा, प्रीसेट में
एफआरपी होता है, गैस्कर की होता है, ये सारे चीजें होते हैं। ये देखो एफआरपी भी काफी पार्टीशन यहाँ पे, तो एलयू जीरो के अंदर इतने पार्टीशन है ये बता रहा है। सर एमआई अकाउंट भी रिमूव होता है ना प्रीसेट? हाँ, एमआई अकाउंट प्रीसेट से भी रिमूव होता है, एमआई अकाउंट भी प्रीसेट से रिकवर होता है। तो ये जो 15 पार्टीशन है मेरे दोस्तों, ये 15 पार्टीशन देखे यहाँ पे, ये इतने के इतने पार्टीशन आपको मिलेंगे यहाँ पे एलयू जीरो वन में, ये वाला यहाँ के पूरे पार्टीशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं वापस, यहाँ पे देखिए वन में देखिए। अगर आपको यह चीज समझ में आएगा ना तो डम समझ में आएगा कि लेना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है, तो एलयू वन में देखिए एक ही पार्टीशन है, एलयू टू में देखिए एक ही पार्टीशन है। यह मैंने पहले भी बोला, यह बूट है। ठीक है, इसका बूट का नाम लिखा है देखो XBL, मैं हर का फुल फॉर्म बताऊंगा XBL क्या होता है, XBL ब्लैंक क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए LU3 में यहां से लेके यहां तक तीन पार्टीशन है। ठीक है, और LU4 जो हमारा 4GB का है वो यहां से लेके यहां तक है। नीचे चलते हैं, नीचे और नीचे, ये देखिए रीस्टार्ट द पटक, एलयू 4 तक आप देख सकते हो यहां तक पार्टीशन बने हुए एलयू 4 के, दिख रहा है यहां तक। ओके, तो एलयू 4 यहां तक पार्टीशन बने हुए हैं। ओके, और एलयू 5 के ये पार्टीशन है। तो सारे पार्टीशंस का उन्होंने स्टेप टू स्टेप डिफरेंशिएशन दिया है, और दोस्तों हमें सारे पार्टीशन को रीड करना है सारे। ठीक है, और क्या क्या छोड़ना है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी दोस्तों यहां पे नीचे चलते हैं, अभी यहां पे देखिए, यहां पे हम देख सकते हो ये OnePlus 3 का फोन है। ठीक है, जैसे कि एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन जैसे ही बता देते हैं, ये 1/10/2019 का फोन है। इसके बाद इसका सारा कि ये सिस्टम क्या है क्या नहीं है, ये सारा चीज इन्होंने प्रॉपरली समझा के बताया हुआ है कि स्टेप टू स्टेप कैसे और किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को एटलीस्ट इतना तो समझ में आया होगा कि एक्चुअली देखना क्या है और क्या देखना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा सिस्टम पार्टीशन। देखिए सिस्टम पार्टीशन कितना है, ऑलमोस्ट 3GB का है, ऑलमोस्ट 3GB का सिस्टम पार्टीशन है। और उसका नाम देखिए यहाँ पे लिनक्स एंड्रॉइड करके आएगा, लिनक्स एंड्रॉइड जो सिस्टम पार्टीशन है जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है पूरा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इंफॉर्मेशन है पूरे एलयू यूनिट के बारे में। अभी रह गई बात डम को रीड करने के बारे में, तो डम को अगर आपको रीड करना है दोस्तों, देखिए जैसे मैंने अभी आपको डीप में प्रॉपरली बता दिया है वैसे ही डम के बारे में भी मैं प्रॉपरली बताऊंगा। डम का क्लास भी थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि हर टॉपिक को मैं डीप में और प्रॉपरली चीजें समझाना चाहता हूँ। ठीक है, शायद आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। और मुस्तफा भाई आप चिंता मत कीजिए, क्लास के दौरान जितने भी हम क्लास करेंगे आप ही के ऊपर होंगे और आप ही के सारे मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सारे के सारे फोन को कोशिश करेंगे, बस आपका काम भी हो जाएगा, क्लास भी हो जाएगा और हम सीख भी पाएंगे। ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है, तो कल के क्लास में मैं आपको डम को रीड करना और डम को राइट करना ये टॉपिक बताऊंगा। कल का मेरा क्लास पूरा उसी के ऊपर होगा कि रीड क्या करना है और राइट क्या करना है। ठीक है, और रीप्रोग्रामिंग करेंगे, फिर रीपार्टीशन करेंगे और रीसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है UEFI में, वो करेंगे। विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग कैसे कर सकते हैं ये बताएंगे। ये सारा चीज ये 3 या 4 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है मुस्तफा जी, ओके 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 जी। तो आज मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छी से अच्छा ट्रेनिंग और अच्छा अच्छा नॉलेज दे पाऊं
किसी भी भाई को कोई भी सवाल या कोई भी प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि आज का क्लास मैं यही रोकना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे घर जाना है, दूर है मेरा घर, तो किसी भाई को पूछना है सवाल तो वो पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही जुड़ते रहिए, ऐसे ही मेरे को समझ नहीं आया, मैं पूछना चाहिए मेरे को। अजय जी आपको समझ में नहीं आया? सच में मेरे को कुछ समझ नहीं आया सर। अरे आप चिंता क्यों करते हो, वापस होगा क्लास आपके लिए। हाँ जी जी, ठीक है। जैसे कि नजीब जी हमारे पुराने हैं, योगेश जी है, अरविंद जी है और मुबारक जी है। जी मुबारक जी, आपका ये चौथा या पांचवा क्लास होगा, बराबर ना? हाँ सर बराबर है। बराबर है क्या गलत है? लेकिन हर क्लास में आपको नया सीखने को मिलता होगा मुबारक जी, बराबर है क्या गलत है? एक क्लास में भी नया नया दिमाग में चढ़ते रहता है। हाँ तो जी, हर क्लास में आपको नया चीज मिलेगा, पुराना कुछ नहीं मिलेगा, बराबर है क्या गलत है? 100% श्योर सर जी। तो आप चिंता मत कीजिए अजय जी, आप हमारे फैमिली है, टेक्निकल फैमिली, आपको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आप क्लास में जुड़ते जाइए, एक बार नहीं समझा दो बार समझाएंगे, दो बार नहीं समझे या तीन बार समझाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी क्या बोले, अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में नहीं आ सकता है तो स्कूल स्टूडेंट के पास जाएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपके यहाँ पे आके सिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए बस। क्या गल है सर, जो मर्जी आ जाओ पंजाब से। अरे मैं तो आने ही वाला हूँ, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, पंजाब आऊंगा। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं आऊंगा तो तुमसे पिंट तो क्या टाइम, तो तू मारिया गेड़ा भरावा देखिया सर ने बोला टाइम पाजी जदों ये आन गया तो काट ही लवांगे, एवें ते टाइम के कोल भी नहीं हुंदा। चल फिर चल तैयारी कर भरावा। अरे ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम, कभी भी आइए। मैं वैसे भी मैं बोलिए बुधवार या गुरुवार को स्टॉक आएगा, मैं ग्रुप पे डालता हूँ सर। सर आईसी फ्रेंड का नहीं कि सर इजी जेटे का जो ब्लैक वाला आता है सर, आपको आएगा 20,500 में जी। मेरे पास 13-in-1 है सॉकेट। हाँ, और सर अब यूएफएस के लिए, यूएफएस का ही बात कर रहा हूँ मैं, आईसी फ्रेंड का यूएफएस का 20,500 में आता है जी जी, तो उसमें 95 और 254 तो चलेंगे सर। क्यों 20,000 लगाएंगे, मैं आपको 7,500 में, 7,800 में इजी जेटेक का दे दूंगा जिसमें सारे चीज कनेक्ट होते हैं। ओके सर ओके। हाँ मैं ग्रुप पे डालूंगा जो भी नया आएगा सर, ठीक है सर। आप बोला बोल रहा ना वो जी सर, बस डायरेक्ट आईसी आईसी लगा के कर सकते है क्या? हाँ कर सकते है। देखिये अगर आपको कौन सा कनेक्टर खरीदना है इसके बारे में समझना है तो इसका वीडियो मैंने YouTube पे बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए कि UFS के लिए कौन सा एडाप्टर लेना है और कौन सा नहीं लेना है। ठीक है सर, थैंक यू जी। सर एक चीज दसो, जेडे तुहाडे नोट है वो कित्थों डाउनलोड किए जा सकते? क्या बोल रहे हैं राजेश जी? सर जो आपके नोट्स है ना वो कहाँ से डाउनलोड हो सकते हैं? हाँ सर सही कहा। सर मैं तो स्क्रीन शॉट लेता हूं आपके नोट्स के, जो हिंदी में सर हिंदी में भी कन्वर्ट हो जाए ताकि। क्यों नहीं सर, आप पीडीएफ रखा है ना उसका बारे में पूछते हैं। देखिए मेरा वेबसाइट लॉन्च हो चुका है दोस्तों, वेबसाइट पे सर आप पीडीएफ बताए ना, ईएमएमसी हेल्थ का रिपोर्ट उसका बारे में पूछते हैं। जी जी मैं आपको बता देता हूं। अरे राजेश जी आप ऐसे भी, अरे राजेश जी आप ऐसे भी मांग लेना, मैं भेज दूंगा, वो थोड़ी बड़ी बात है। ठीक है सर, ठीक है जी, मैं ताडे को मंगा लांगा जी, तो ऐसे ही मांग लेना, वो पीडीएफ आप लोगों से बड़ा थोड़ी है। हाँ लेकिन देखिए राजेश जी मेरा है ना उद्देश्य आप समझ लीजिए, देखिए आप पीडीएफ आपके लिए रखिए, आप समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ जी, आप जी। आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ भी दे दूंगा मैं, मुझे उससे कुछ हर्ज नहीं है। ठीक है सर, आपके नोट्स है ना जो वो बहुत हेल्प करते हैं, मतलब जब भी यहाँ पे देखते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। काम करता हूँ मैं, इन सारा नोट का एक बुक बनाता हूँ जी सर, चलेगा? एक कलर बुक बनाता हूँ, कलर पूरा अच्छा सा एकदम, स्टार्टिंग से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सिमेस्ट्रिक डायग्राम, यूएफआई बॉक्स, इजी अटैक बॉक्स, सबका एक बुक बनाता हूँ, उसको बाइंड करता हूँ, जिन जिन भाइयों को चाहिए बोलो, मैं उनके घर पे कुरियर करवा देता हूँ सर, मुझे जरूर भेजना जी। चलेगा? चलेगा सर, सर। चलो ठीक है, वो हो जाएगा बस। हाँ ठीक है, हाँ
सर आज का वीडियो लोड कर दीजिए सर। हाँ आज का वीडियो घर जाने के बाद लोड होगा, शायद आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, बराबर? जी सर, जी सर, जी जी मुबारक जी। शायद आपके आप हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। जी बढ़िया बात है, धन्यवाद जी, मुबारक जी। नाउ टुडे यू आर हैप्पी राइट? जी मुबारक जी ऑफलाइन। चलो दोस्तों ऐसे ही जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपका सभी का भला करे। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, शबाकर, मिलते हैं कल 8:30 बाय बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, सायोनारा, सायोनारा, गुड नाइट, सायोनारा रह गया, सायोनारा।